क्या हो अगर एक भालू आपके ऊपर हमला कर दे? आपके डिफेंस स्ट्रेटेजी तब काम करेगा ना जब आपको पता होगा कि भालू की कौन से स्पेसिस आपके ऊपर हमला कर रहा है, क्योंकि हमारे दुनिया में भालुओं की करीब 8 स्पेसिस पाए जाते हैं और इनमें से एशियंटिक ब्लैक बियर, हिमालयन ब्राउन बियर, क्लोथ बियर एंड सन बियर, ये सब स्पेसिस के भालू हमारे इंडिया में पाए जाते हैं। वेल, इंडिया में जितने भी स्पेसिस के भालू पाए जाते हो इतने जल्दी आपके ऊपर हमला नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी ये आपके ऊपर हमला कर दे और आप अपने आप को बचाने के लिए पेड़ों के ऊपर चढ़ जाते हो तो ये आपके लिए बहुत बुरा परिणाम होगा, क्योंकि ये इंडियंस भालू आपसे भी अच्छे क्लाइंबर्स होते हैं और पेड़ों में ना चढ़ के अगर आप दौड़ने लगते हो तो भी ये आपके लिए बुरा परिणाम होगा, क्योंकि ये भालू करीब 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ सकते हैं। तो जहां पर एक औसत इंसान की बात करेंगे तो एक इंसान 10.6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ सकता है। तो देख लो, अगर आपके ऊपर एक भालू हमला कर दे तो आप उससे बचने के लिए अगर दौड़ना शुरू कर देते हो तो भालू आपका क्या हाल करेगा सोच लीजिए। और ना दौड़ के अगर जमीन में लेट जाते हो, मरने का एक्टिंग करते हो तो भी ये आपके लिए बुरा परिणाम होगा, क्योंकि हमारे इंडियंस भालू ज्यादातर मुर्दे जानवर को भी खा लेते हैं अगर ज्यादा भूखे में होंगे। फॉर एग्जाम्पल ब्लैक बियर, ये ज्यादातर मुर्दे जानवर को खाना पसंद करते हैं। तो अगर इंडियंस भालू आपके पीछे पड़ जाते हैं तो आप ना ही पेड़ों पे चढ़े, ना ही दौड़ना शुरू करें और ना ही मरने का एक्टिंग करें। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही रास्ता है, अगर ये भालू आपके पीछे पड़ जाते हैं तो आपके पास जो भी सामान है या फिर आपका टी शर्ट, उसे निकाल के उसके ओर फेंक के दौड़ना शुरू करें। जितना तेजी से दौड़ सकते हो उतना तेजी से दौड़ना शुरू कर दे, क्योंकि सबसे पहले ये भालू आपके फेंके हुए चीजों की ओर जाएगा, क्योंकि ये भालू जब बहुत ही भूखे में होते हैं तब जाके इंसान के ऊपर हमला करते हैं। तो इसलिए आपके पास कुछ भी खाने का चीज हो या फिर कुछ भी सामान हो उसे फेंक कर दौड़ना शुरू करे। वेल, ये मैं नहीं कहता हूँ, ये हमारे वर्ल्ड के नंबर वन सर्वाइवल एक्सपर्ट बियर ग्रिल्स कहते हैं। वेल, ये तो जान ले कि इंडियंस भालू अगर आपके पीछे पड़ जाए तो आपको क्या करना है। लेकिन आप कभी बाहर घूमने के लिए गए हो, एग्जाम्पल के लिए नॉर्थ अमेरिका, और वहाँ पे नॉर्थ अमेरिकन की ग्रिजली भालू अगर आपके ऊपर हमला कर दे तो यहाँ पर आप मरने का एक्टिंग कर सकते हो, क्योंकि इस स्पीसीज का भालू मुर्दे जानवर को छोड़ के चले जाते हैं। अगर वहाँ पे अपने आप को बचाने के लिए उसके साथ लड़ने लगते हो तो ये ग्रिजली भालू आपको कुछ सेकंड के अंदर जान से मार देगा, क्योंकि भालू के सभी स्पीसीज में से ग्रिजली भालू का बाइट फोर्स सबसे ज्यादा होता है, 8274 पाउंड पर इंच। तो इस ग्रिजली भालू के साथ अगर आप हाथापाई करोगे तो ये आपको फाड़ के रख देगा। और एक भालू है जो कि बर्फीला इलाका में पाया जाता है, जिसका नाम है पोलर बियर। तो ये अगर आपके ऊपर हमला कर दे तो इसके नाखून से आपको बचना होगा, क्योंकि भालुओं की सभी स्पीशीज में इस पोलर बियर के नाखून सबसे बड़े होते हैं। इनका नाखून 4 से लेकर 6 इंच तक हो सकता है। तो इस पोलर बियर के एक हमले से आपके मांसपेशियों के साथ आपके हड्डियों को भी ये निकाल सकता है। वेल, इन पोलर बियर से आपको इतना ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये भालू ज्यादातर आर्कटिक सर्कल में पाए जाते हैं। वेल, अगर आपके ऊपर एक भालू ने हमला कर दे तो क्या करना चाहिए आज मैंने आपको बता दिया। तो इस तरह अगर आप और कोई दूसरे जानवर के हमले से बचना चाहते हो तो कमेंट में उस जानवर का नाम लिख देना, मैं और किसी दिन उस जानवर के बारे में आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को नीचे सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो आज के लिए इतने, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट एक वीडियो में, तो तब के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड सेव वाटर। जय हिंद, जय भारत।